एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो पद यात्रा निकाल रही है और इसी बीच गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहाँ कांग्रेस के 8 विधायकों ने हाथ का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया और ऐसे में गोवा में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। आखिर गोवा में कांग्रेस टूटी क्यों है, क्यों इन विधायकों को बीजेपी खेमे में जाना पड़ा, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से खास बातचीत की सहयोगी अमित मिश्रा ने। गोवा में जिन्होंने कांग्रेस की जमीन हिला दी और कांग्रेस को खुद पता नहीं चला, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये इतना बड़ा काम इन्होंने कैसे किया। सर, कांग्रेस के लोग खुद ही आना चाह रहे थे या फिर आपकी तरफ से कोई इनविटेशन गया था? बिल्कुल नहीं है, वो लोग कांग्रेस के जो 8 लोग हमारे पास आए हैं वो खुद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे। उन्हें माननीय मोदी जी का काम जो देश भर कर रहे हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार 10 साल से चल रहा है वो उसी जो डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है वो खुद होके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आना पसंद किया, तो हमने उनको वेलकम कर दिया। आपकी सरकार तो वैसे ही सर मजबूत है, सुरक्षित है, फिर कांग्रेस को जोड़ने का कोई और खास मकसद कांग्रेस के लोगों को? पार्टी का विस्तार हमेशा के लिए हम तो करते रहते हैं, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। जो कोई यानी माननीय मोदी जी के इस काम से देखकर आना चाहता है तो डेफिनेटली हम वेलकम करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी वक्त ने जहाँ पे कांग्रेस भारत जोड़ो का आंदोलन चला रहा है तो यहाँ पे कांग्रेस छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। ये मुझे लगता है कि पूरे देश भर में से कांग्रेस छोड़ो आंदोलन गोवा से चालू हो रहा है, जो बचे कुचे कोई लोग जो कांग्रेस पे बचे हैं वो भी कांग्रेस को छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है सर कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, कन्याकुमारी से चल रहे हैं उनके राहुल गांधी नेता और फिर हर जगह, चाहे दिल्ली की बात करें गुलाम नबी आज़ाद से लेकर गोवा तक में कांग्रेस छोड़ो का नारा लोग दे रहे हैं, तो क्या नेतृत्व पर सवाल है, यानी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल है या लगता है कि कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो रहा है लोगों का? जिस पार्टी को सेंट्रल लीडरशिप ही नहीं रही है, राहुल गांधी जी का यानी लीडरशिप ही कोई मान्य नहीं कर रहा है, जिस पार्टी को फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है, जो कोई पार्ट टाइम अध्यक्ष जो पार्टी चला रही है और जिस पार्टी से यानी फैमिली मैटर से ही पार्टी चल रही है, जो कोई यानी एक गांधी परिवार से ही आज तक पार्टी चलाते आ रही है, तो फिर इस पार्टी से लोग कभी हट गए हैं? आप हिस्ट्री निकाल के देखो, यानी जिस पार्टी के पास एक समय के वक्त 400 से आसपास एमपी हुआ करते हैं वो तो 40 नंबर पे पहुँचे हैं। तो डेफिनेटली लोगों को लग रहा है कि अभी माननीय मोदी जी का नेतृत्व में फिर से एक बार देश में 2024 में सत्ता आने वाले हैं, तो ग्लोबल लीडरशिप फर्स्ट टाइम अपने माननीय प्रधानमंत्री जो वर्ल्ड लीडर बोल के इमर्ज हो रहे, इसीलिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जुट रहे हैं। प्रमोद जी, क्या इन्होंने कोई शर्त रखी आने के लिए कांग्रेस पार्टी से बीजेपी आने के लिए आपसे? जी हाँ, बिल्कुल कोई शर्त नहीं है, अनकंडीशनली दे हैव ज्वाइन फॉर द भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि आने वाले समय में इन लोगों को पार्टी एकोमोडेट कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये सारे विधायक हैं, इनको टिकट भी चाहिए, इनके अपने काम होंगे, वो सारे कैसे एकोमोडेशन होंगे वहाँ? कांग्रेस कह रही है ये इन्होंने उस पार्टी के साथ चीट किया है क्योंकि वोट इनको कांग्रेस के नाम पे मिला था। डेफिनेटली हम उनको पार्टी में एकोमोडेट करेंगे। लास्ट टाइम भी हमारे पास 10 लोग आए थे, उनको हमने एकोमोडेट किया, उन लोगों के काम किए सभी लोगों को, बाकी कुछ लोग जीत के नहीं आए, डेट इज़ अ सेकेंडरी, लेकिन इन लोगों को भी हम पार्टी में एकोमोडेट कर सकते हैं और इन लोगों की जो कुछ डेवलपमेंटल और बाकी सब कुछ काम है वो हम कर सकते हैं। यानी आप लोग ये अब बन बना चुके हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए? जी हाँ, मुझे लगता है कि लोगों की इच्छा वही है कि कांग्रेस छोड़ो आंदोलन यहाँ से स्टार्ट हो गया है तो कांग्रेस मुक्त भारत देश की ओर देश बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली इसकी शुरुआत गोवा से हुई, ये आगे वैसे ही चलेगा। शुक्रिया। एक तरफ भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़ो आंदोलन है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस से आए हैं उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, लेकिन राजनीति में शर्तों का क्या, शर्तें तो होती रहती हैं, उनको दूसरी पार्टी में आने के पहले और आने के बाद भी कुछ न कुछ मिठाइयां मिलती हैं। जाहिर सी बात है इन सब पर एक राजनीतिक तौर पर कुछ न कुछ हस्तक्षेप, नियंत्रण और जरूरी चीज़ें जरूर होती रहेंगी। कैमरामैन कपिल के साथ अमित मिश्रा, भारत 24, गोवा।